दोस्तों कार ड्राइविंग गेम खेलना किसको पसंद नहीं आती है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड अगर ऐसा कार ड्राइविंग गेम हो जाए जिसके अंदर मैं कार के अंदर बैठ के कार को चला पाऊँ, मतलब उसका जो इंटीरियर लुक होता है वो अच्छा होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर इंटीरियर लुक अच्छा होगा ना तो भाई कार चलाने में ऐसा फीलिंग आया कि मैं सच में यहाँ पर कार चला रहा हूँ अंदर बैठ के, ऐसा मेरे को फीलिंग आता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो गेम बताने वाला हूँ ना, सारी गेम का इंटीरियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड आप लोग कैमरा एंगल, मतलब अलग अलग जो कैमरा एंगल होता है ना, मतलब आप अंदर बैठ के कार को चला पाओगे, तो बहुत मजेदार गेम बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारे लिस्ट नंबर 5 पर जो गेम आ रहा है इसके नाम है स्पोर्ट्स कार 3। जी हां गाइस, ये जो गेम है ना इसके अंदर आपको काफी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। इन यहां पर आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रेसिंग मोड, ड्रैग रेसिंग, पार्किंग मोड, कार्गो डिलीवरी, कार डिलीवरी, रनवे और भी काफी सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस गेम का साइज भी यार बहुत ज्यादा कम होने वाला है, 190 MB गेम का साइज है। एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस एक बार डाउनलोड करना है, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। यहां पर दोस्तों आपके पास स्टीयरिंग व्हील होने वाला है, तो आप स्टीयरिंग व्हील से मतलब कार को चला पाओगे। एंड यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैमरे एंगल भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब आप अंदर बैठ के भी कार को चला पाओगे। तो भाई और क्या चाहिए, ये गेम बढ़िया होने वाला है। इसके अंदर आपको काफी सारे सिटी रोड, स्नो एरिया, विलेज लोकेशन एंड माउंटेन रोड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वर्ल्ड जो गेम है काफी बढ़िया है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो नंबर 4 पर जो गेम आ रहा है इसके नाम है पुलिस सिम 2022। जी हां गाइस, इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आपको एक पुलिस मैन का रोल प्ले करने को मिलता है तो आपको कैसा लगता है? मेरे को तो यार बहुत मजा आती है इस गेम को खेलने के टाइम पे। देखो यहाँ पर बेसिकली ना क्या कर सकते हो, आप ट्रैफिक पुलिस बन सकते हो। कोई बंदा अगर चोरी करके भाग रहा है तो उसको आपको कार लेकर फटक से जाके पकड़ सकते हो, एंड पकड़ के भाई जेल के अंदर भी डाल सकते हो। तो भाई और क्या चाहिए, यहाँ पर काफी सारे आपको पुलिस का जो मिशन होती है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास काफी सारे अलग अलग कैमरे एंगल आपको देखने को मिल जाते हैं। जो कार आप चलाओगे ना, उस कार का जो इंटीरियर होता है भाई कसम से बता रहा हूँ यार बहुत ही रियलिस्टिक आपको फीलिंग देता है। ऐसा लगता है कि मैं सच में यहाँ पर अंदर बैठ के कार को चला रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आपको फीलिंग आ जाएगा। एंड साथ ही साथ भाई यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड बात करें इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में, यार ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो कि आप स्क्रीन के ऊपर गेम प्ले देख रहे होंगे आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है, ग्राफिक्स कैसा होने वाला है। सो गाइस बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाला है 700 MB। एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो नंबर 3 पर जो गेम आ रहा है इसके नाम है अनलिमिटेड कार ड्राइविंग सिमुलेटर। दोस्तों अगर आपके पास एक 1 GB या फिर 2 GB रैम की डिवाइस है तो भाई ये गेम आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गेम का साइज भाई बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है, 160 MB गेम का साइज है। एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, लेकिन यहाँ पर आप इस गेम को ऑनलाइन पे भी खेल सकते हो, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लेयर जो मोड होती है वो भी सपोर्ट करता है। अगर आपको रेसिंग करना है कोई भी फ्रेंड के साथ या फिर कोई आपका दोस्त है उसके साथ आपको रेसिंग करना है, तो गाइस यहाँ पर आप मल्टीप्लेयर मोड को भी एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, बात करते हैं इस गेम की ग्राफिक्स के बारे में। यार ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा होने वाला है, कलरफुल ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक बिग सिटी एंड ऑफ रोड लोकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड जो गेम है काफी बढ़िया है, स्मूथ गेम प्ले चलता है, कोई भी लैग नहीं करता है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो नंबर 2 पर जो गेम आ रहा है इसका नाम है ड्राइव जोन ऑनलाइन। जी हां गाइस, अगर आपको एक रियलिस्टिक ड्राइविंग गेम खेलना है तो भाई ये गेम आपके लिए होने वाला है, लेकिन इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपके पास कम से कम 6 GB या फिर 4 GB रैम की डिवाइस होना ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज भाई बहुत ज्यादा लैग करता है गेम, क्योंकि भाई इस गेम का साइज थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, 1 GB के आसपास गेम का साइज है। एंड दोस्तों ये जो गेम है इसको डाउनलोड करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भाई प्ले स्टोर पर आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो यार, इसका भी जो लिंक है वो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन पे, आप लोग जाके सीधा इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके पास अलग अलग कार होने वाला है, यहाँ पर आप SUV कार देख पाओगे, सुपर कार देख पाओगे एंड काफी सारे ऑफ रोड कार भी आपको देखने को मिल जाता है। जी गाइस, यहाँ पर आप रेगिस्तान के अंदर जाके ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, तो और क्या चाहिए, यहाँ पर बिग सिटी भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप रेसिंग मोड को भी एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको मल्टीप्लेयर खेलना है, आप अपने फ्रेंड के साथ खेलना है या फिर रियल प्लेयर जो यहाँ पर ऑनलाइन मोड पे होता है उसके साथ यहाँ पर आप रेसिंग भी कर पाओगे। ठीक है, तो वर्ल्ड जो गेम है काफी बढ़िया है, मेरे को तो यार बहुत ज्यादा मजा आता है इस गेम को खेलने के टाइम पे। एंड इस गेम के अंदर जो इंटीरियर होता है ना वो भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत ही रियलिस्टिक आपको फीलिंग देता है, ऐसा लगता है कि मैं अंदर बैठ के यहाँ पर कार को चला रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपको फीलिंग आ जाता है। तो वर्ल्ड जो गेम है काफी बढ़िया है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन अच्छा खासा डिवाइस होना चाहिए। तो भाई देखते देखते हम लोग आ चुके हैं नंबर 1 गेम पर। तो भाई इस गेम का नेम है बास सिमुलेटर 2023। जी हां गाइस, इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता। जैसे ही मतलब रिलीज हुआ ना उस टाइम इतने सारे डाउनलोड्स हो गया, मैं क्या ही बताऊं, मैं पिछले वीडियोस के अंदर भी इसको कवर कर चुका हूं। लेकिन अगर आपको सच में हाई ग्राफिक्स वाला ड्राइविंग गेम खेलना है तो भाई ये एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भाई ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड जो इंटीरियर मोड होता है इस गेम का, जो इंटीरियर मोड है मतलब आप अंदर बैठ के जो बास को चलाओगे ना, तो उस टाइम पर आपको सच में यार रियल फीलिंग आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी
है ना, ऐसा लगता है कि मैं साइड से, बट कोई मतलब कोई कार अगर साइड से जा रहा है ना तो उसका भी एक साउंड क्वालिटी भाई अलग हो जाती है, एंड रियल हॉर्न आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। एंड बात करते हैं इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में, यार ग्राफिक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, 20 प्लस आपको रियलिस्टिक बास देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अलग अलग मैप भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब पहले के टाइम पे भाई एक दो मैप होता है, लेकिन जैसे जैसे आप गेम को खेलोगे लेवल अप करोगे तो उस टाइम पे ना काफ़ी सारे मैप यहाँ पर अनलॉक हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली आपको पैसेंजर को पिक करना होता है, ड्रॉप करना होता है, सिंपल सी फंडा है भाई। तो गाइस इस गेम को भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस गेम का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, 700 MB गेम का साइज है, एंड ये जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस एक बार डाउनलोड कर दें उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो, कोई बात नहीं है। सो गाइस आज के वीडियो पर खत्म करते हैं, होप करते हो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुके, अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल भी पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छा रहना, क्या लगना, बाय बाय।